इधर बाइक रोकते हैं। क्रूज चलेगा? नहीं, ये चल गया। अच्छा जी जी, आपने ब्रेक प्रेस की हुई है, अब ब्रेक छोड़ेंगे तब चलेगा। अब दोबारा जीपीएस सेट करना हो, ये स्मोकर्स के लिए बड़ी अच्छी है। जी जी, आगे सिगरेट पियो और चलो। हाँ। झूले लाल। और भी मैं लेके आया था चीज़ें। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या सीन है, मैंने कहा यूएसबी गिर गई है। उन्होंने कहा अब घर पे सा जाओगे? मैंने कहा मेरे पास रिमोट है, तो मैंने जेब में चेक की, रिमोट भी कोई नहीं। अब मैंने जिले भाई से कहा आप देखें, आपके पास तो रिमोट नहीं है। अब मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे अभी पार्क हिल्स के ऑफिस 9:30 है पहुँचना है, तो अभी 9 बजे हैं और वो तकरीबन घंटा दूर है और मेरे मुँह पर धूप पड़ी है। स्विमिंग पूल बाइक मैंने पूरा अपना A1 कर लिए, चेक कर लिए कि एक चीज़ सब चल रही है। आज दो इंटरव्यू हैं, पब्लिक न्यूज के साथ है, एक पार्क हिल्स के साथ है, तो दोनों आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हाल रोड भी जाना है और बाइक चेक करें माशाल्लाह से बिल्कुल इस टाइम A1 कंडीशन है। तो अब मैं आपसे बाइक पर मिलता हूँ क्योंकि अभी मैं लेट हो रहा हूँ। तो इस टाइम मेरा बाइक पूरे के पूरे 2300 बल्कि 32,500 किलोमीटर चल चुका है और घर से जब निकला था तो 43 किलोमीटर था। तो मतलब यहाँ पे 5 की जगह 4 था और आगे 3 था। तो अब पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बाइक कितना चलता है, और पेट्रोल मेरे बाइक में अभी कम ही है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, सुकून से हेलमेट के अंदर म्यूज़िक लगा हुआ है। 550 का डाल दें। पाँच सौ पचास का है। नहीं, खुद ही की है, सारा खुद की है। चलें देख लें जितने कटते हैं काट लें। ये भर गया है 690 का। आप कहने क्या भाई, खोपड़ी तोड़ खा ले। नहीं नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आता, ये चीज़ें जो मैंने लगाई नहीं है मैकेनिक लगा सकता है? पता नहीं हर बंदा मैकेनिक क्यों बोलता है, गुस्सा आता है यार। उससे वाली बात नहीं है, वो भी एक प्रोफेशन है, वो भी एक इज्जत की जॉब है, लेकिन ये कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगाई हैं तो मैं मैकेनिक कैसे हुआ, समझ नहीं आता। खैर अब मुझे कुछ 7 मिनट रह गए और 2.9 किलोमीटर सिर्फ रह गए। मैंने रास्ते में मोटर ब्लॉग इसलिए नहीं किया, हवा का प्रेशर बहुत तेज़ है और मुझे है कि हो सकता है कि आवाज़ आपको सही ना आए, तो इस वजह से जो है मैं रास्ते में मोटर ब्लॉग नहीं कर रहा। कि पहले पार्क हिल्स को जाना है इंटरव्यू देने, उसके बाद या तो पब्लिक न्यूज़ वालों को कहूँगा कि मैं ज़रा हाल रोड से हुआ हूँ तब आप इंटरव्यू कर लें, या किसी और दिन कर लें, क्योंकि हाल रोड मैंने जाना है। मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना पार्क हिल्स के इंटरव्यू के बाद, वो है इस टाइम हाल रोड जाना। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत ऑर्डर्स दिए हैं क्रूज़ कंट्रोल किट के, और उसकी अब चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई हैं घर में, तो वो भी लेनी, ऊपर से बाइक का मैंने एक हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लेना है, क्योंकि आप ये देखें ना आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने एयर फिल्टर उतारा हुआ बाइक से, तो वो फिर जो है ना बाइक पे एवरेज तो बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन ये इंजन के लिए डेंजरस है क्योंकि मिट्टी इंजन में जाएगी, और एवरेज अच्छी है लेकिन पिक कम हो गई है। मैं पहले सोच रहा हूँ कहीं साइड पर बाइक रोक के ना पहले सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले क्रूज़ कंट्रोल चेक कर लेते हैं, वर्किंग प्रॉपरली। सेल्फ स्टार्ट चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। अब सबसे मेन यूएसबी स्टार्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ना चलाने तो कोई फ़ायदा नहीं आने का, ये अल्लाह चल जाए। चल गया, अब इसको रोकते हैं ज़रा, हो गया। पहुंच तो गया हूँ मैं, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना दो, यही इनके ऑफिसेज़ हैं, लेकिन मैंने कॉल किया अभी उन्होंने उठाई नहीं, बाल मैंने ठीक कर लिए। अभी हम जाने वाले हैं उनके साथ, वो उधर जा रहे हैं और उनके पीछे मैंने जाना, उन्होंने कहा आ जाओ, मैंने कहा ओके।
तो मॉडल टाउन कह रहे हैं जाना है, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। आई थिंक सो उस तरफ जाना होगा। देख लें आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने इस तरह की चीज़ें लगाई और आज इंटरव्यूज हो रहे हैं आपके टेस्ला लाइट के। खैर इधर बाइक रोकते हैं। जी मेरे इंटरव्यू खत्म हुए और विले भाई मेरे बाइक की राइड लेने गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रूज चलेगा? नहीं नहीं ये चल गया। अच्छा जी जी आपने ब्रेक प्रेस की हुई है, आप ब्रेक छोड़ेंगे तब चलेगा। अब भाई अच्छा पहले ऑफ था। जी जी अब भी चलेगा, आपने ब्रेक पर प्रेस किया हुआ था। अच्छा और यहां से ऑन भी। जी जी ये लग गया। ये अभी ना फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इनको ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, वरना ये बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बंदा यूज़ करता है उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि समझ नहीं आता सही से, लेकिन जब दो तीन दफ़ा बंदा यूज़ कर ले फिर समझ आ जाती है। चले क्रूज़ कंट्रोल, चले क्रूज़ कंट्रोल। स्टार्टिंग में डर लगता है, स्टार्टिंग में डर लगता है, स्टार्टिंग में डर लगता था मुझे। स्टैंड ला रहा हूँ, चेक कर लें भी चेक। ऐसे ही इसका ये बजर लगा हुआ है और ये बटन लगा हुआ है। अब ये गियर में भी बस ये बटन लगा हुआ है, ये रहा बटन, ये बटन लगा हुआ है, ये ये इसकी नहीं चलता। और इसका जो बाकी रिले वगैरह है वो लाइट के अंदर है। आज हमारे पास है रिमोट से स्टार्ट होने वाली टेस्ला, लेकिन बाइक का जी जी चल जाएगा चल जाएगा। ये तभी देख रहे हैं क्रूज कंट्रोल का तो सुना होगा ना, लग्जरी गाड़ी के अंदर इस बाइक के अंदर आता है क्रूज कंट्रोल, और आप उसके जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तो ये जब भी वापस हो जाता है, नीचे ले जाते हैं जब भी वापस हो जाता है, ये कंप्लीटली सेफ है और क्रूज है। अलार्म इसके अंदर आपकी आवाज़ आ जाएगी अगर आप मुझे कहते हो भाई जान स्टैंड कर लो। मेरी ठीक ये मैं कर दूँगी, ये भी आ जाएगी आपकी आ जाएगी आवाज़। मेरा माइक कौन है? मैंने ऐसे ही करता हूँ ऐसे ऐसे तो मैं ऐसे करता हूँ। तो चलते हैं फिर अगले रिव्यू के लिए ठीक है, और मैं जैसे गियर डालता हूँ तो एकदम से ना पीछे ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे कि भाई जान स्टैंड था, तो फिर चलते हैं अगले रिव्यू के लिए। अपना आपसे मुलाकात होगी भाई जान स्टैंड। ये पता है क्या सीन है, इसके अंदर आता है सेफ्टी अलार्म, जो कि जैसे अगर आपका स्टैंड नीचे हुआ होगा तो आपको बता देगा कि भाई स्टैंड उठा लो और फिर बाइक चलाओ। और आज मैं आपके लिए लेते हैं बाइक का स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट होगी और आप चलते हैं। अरे जी मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा बिहाइंड दी सीन्स में सारे रिकॉर्ड कर, अभी वो क्रूज कंट्रोल चलाते टाइम की शॉट्स लेने गए हैं। मज़ा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? देखें आपके लिए मैंने बनाई है वीडियो, आपने अब सब्सक्राइब करना है।
चला जाएगा। इसके अंदर गियर मोटर है, वो बड़ी पावरफुल है, फौरन जाता है। आप बेशक जितना जोर की पकड़ भी लें इसको, ये फिर भी आपको खींचेगी। अब करें नहीं इतना ही नहीं, आप वो तो चले चला जाएगा, फौरन जाता है। अभी इसका मैं करने लगा एडेप्टिव सेंसर के साथ के सेंसर, लेकिन वो मुझे है कि मैं ना मर जाऊँ चक्कर में, इसलिए जो है नहीं। ये पता है वैसे होता है, आपको पता है जो बड़ी बड़ी बाइक होती है उनमें होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में ये कि जैसे मोटर में हो ना जी, क्योंकि सिर्फ लाहौर के पाकिस्तान गाड़ियों के अंदर सिर्फ मोटर वे भी लगता है जी, तो मोटर वाले रोड नहीं है पाकिस्तान में बाइक के लिए। जी डी रोड है, लेकिन मुझे रास्ते मिल जाते हैं ना जहाँ खाली रोड है बेसिकली। ये कौन सा कोई 100 पे चलनी है 120, ये बस मैंने शिश्ते के लिए लगाया था। हाँ। लेकिन ये पाइन एवेन्यू पे मुझे मदद होती है। हाँ। पाइन एवेन्यू वाली रोड जहाँ पे आपको खुला रोड मिल रहा है, जैसे अब ये रोड है ट्रैफिक इतनी नहीं है अगर, तो आप जा रहे हो। या फिर मुझे होता है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ तो मैं इसको लगा देता हूँ, या जी पी एस सेट करना हो। ये स्मोकर्स के लिए बड़ी अच्छी, सिगरेट पियो और चलो झूले लाल, हमने तो राइट हैंड से खाना पीना है ना। अभी भाई गाड़ी से हेलमेट निकालने आया हूँ, अभी कुछ मूविंग शॉट्स लेनी है, वो भी आपको मोटर ब्लॉग में नजर आ जाएगा। मजा आ रहा है आज की वीडियो। बैग इधर ही पड़ाते हैं, ग्लव्स निकाल लेता हूँ। सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, बस मूविंग शॉट्स रह गई हैं, उसके लिए मैंने हेलमेट पहन लिया है। अब वो गाड़ी पे चलते टाइम मूविंग शॉट्स होंगी, वो आपको मैं मोटो व्लॉग से जो है ना दिखाते रहूँगा। ये बन रही है मेरी फुटेज। यार बहुत अफसोस हो रहा है कि यूएसबी गिर गई है, अब मैं दूसरा इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। कल मुझे अब दोबारा यूएसबी बनानी पड़ेगी, मैंने ढूंढी है, उस टाइम कैमरा ऑफ था। अब मैं जा रहा हूँ सीधा हाल रोड, दूसरा इंटरव्यू अब नहीं दूंगा क्योंकि दे ही नहीं सकता भाई इंटरव्यू, यूएसबी नहीं है। कोई नहीं, इतने इंटरव्यू में आ गई थी, अब उसने गिरना ही था, दोबारा बना लेंगे। हम ऑलमोस्ट हाल रोड पहुंच गए हूँ, 500 मीटर्स दूर है, मतलब आधा किलोमीटर दूर है। गर्मी शदीद लग रही है, शदीद किस्म की, मतलब मुझे हो रहा है यार इंटरव्यू में रिव्यू में जो है ज़िले भाई ने पहना हुआ है हाफ स्लीव और मैं पहन के जैकेट खड़ा हूँ, क्योंकि यार यूएसबी का दुख हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, हाल रोड जा रहा हूँ, हाल रोड से मोबाइल भी मैंने पता करना है एक, क्योंकि मुझे एक नया मोबाइल लेना है, और साथ ही साथ यूएसबी भी एक पता करूँगा जो देखने में अच्छी हो, ताकि मैं उसके अंदर सारे अपने सिस्टम लगा लूँ। सिस्टम ये अच्छा शॉर्टकट यार, ये पांच देने फिर ये वाले पांच जी जी पांच। तो आपने ब्लॉग देखा, बिहाइंड द सीन्स देखे, थोड़ी बहुत हाल रोड की भी शॉट्स देखी। अब मैं आपको पहले दिखा दूंगा हाल रोड से क्या क्या चीज़ें लेके आए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ। अब एक घंटे देता हूँ पाँच बजे के इंटरव्यू ख़त्म होते साथ ही शॉर्ट्स लेते टाइम मेरी यूएसबी जो थी बाइक की वो गिर गई थी। हालांकि उसके बाद मेरा एक और इंटरव्यू भी था और रिमोट भी घूम गया था और मुझे घर भी जाना था, तो सब कुछ अभी आपको बताता हूँ। आप पहले जाके देखेंगे मैं लेके क्या आया था। तो चीज़ें जो लेके आया था वो कुछ मैं ये लेके आया था। सबसे पहले मैं लेके आया था एक कार्ड रीडर,
अब ये कार्ड रीडर मैं इसलिए लाया था क्योंकि मुझे था कि मैं इसके अंदर यूएसबी बना लूँगा, लेकिन ये बहुत स्लिम है और ये खुलता भी नहीं था और इसके अंदर चीज़ें पूरी भी नहीं आनी, इसलिए इसको मैंने नहीं छेड़ा। मैंने नई जो यूएसबी बनाई है आपको भी दिखाऊंगा। और मैं लेके आया था आप लोगों के लिए ये आप देख सकते हैं, तो इतने सारे डब्बे हैं और ये सारे डब्बे जो अच्छी क्वालिटी हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको दबाऊं भी तो उनकी क्वालिटी सिर्फ चेक करें, क्योंकि ये तकरीबन 10 डब्बे हैं। तकरीबन अभी तक मुझे कोई 20 लोगों ने कहा है, लेकिन मैंने पहले 10 की चीज़ें लेके आऊँ, 10 आप लोगों को पहले डिलीवर करके उसके बाद जो बाकी हैं वो मैं लेके आऊँगा। तो ये मोटर्स भी इस दफ़ा मैं बड़ी मुझे कमाल की मिल गई हैं, गियर वाली जो जिसके अंदर से पिन निकलती है और जो फंसती है आगे जाके, तो ये मोटर्स भी मुझे बड़ी अच्छी मिल गई। चीज़ें बहुत महंगी मिली हैं सब, वो अलहदा बात है। और ये जो बक कन्वर्टर्स हैं, मतलब ये स्टेप डाउन किट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिल गई और ये बहुत महंगी हो गई इस टाइम। ये एक किट में दो दो लगती हैं। और स्विचेस आप देख लें, स्विचेस भी बड़े मज़े के आए हैं। और साथ ही साथ ये स्विचेस आप देख लें, ये इस दफ़ा मैं बड़े अच्छे स्विचेस लेके आया हूँ, मुझे बड़े अच्छे मिल गए हैं। और साथ ही साथ इस दफ़ा सिल्वर कलर में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल किट मिलेगी देखने को। मैं शीट्स लेके आया हूँ, डल भी लेके आया हूँ, सिल्वर में भी लेके आया हूँ। और क्या लेके आया था, और मैं लेके आया था ये ग्लू स्टिक्स, अभी थोड़ी कम है क्योंकि इतनी पड़ी थी, बाकी मैं रखा आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। अभी भी ये तकरीबन क्रूज़ कंट्रोल अगर एक पूरी बनानी हो तो उसके लिए ये 60-40% आप कह सकते हैं, बाकी अभी चीज़ें नहीं है इसमें, वो जो ग्रिप बनानी होती है वो सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आया था, अब आपको मैं सारे सीन बताता हूँ। तो आपने देखा कि क्रूज़ कंट्रोल की नॉर्मल सी चीज़ें थी और यूएसबी बनाने के लिए कार्ड रीडर वगैरह लेके आया था। अब मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद ये हुआ कि शॉर्ट्स लेनी थी, मतलब कि बाइक चलाते टाइम उन्होंने वीडियो बनानी थी। तो अब यूएसबी जिले भाई ने उधर ही लगा दी थी वो बाइक पे। अब वो यूएसबी उतार के मैंने जैकेट पहनी थी, ऊपर नीचे शर्ट पहनी थी। मुझे भी हो रहा था कि यार वो हाफ स्लीव में इंटरव्यू कर रहे हैं और मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो मैंने यूएसबी को उतारा और जैकेट के अंदर रख दिया। मुझे था वो जैकेट की पॉकेट में चले गई है, लेकिन वो जैकेट और शर्ट के बीच में ही रह गई और मैं बाइक पे बैठा हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही है, जेब में नहीं गई। अब मॉडल टाउन में जब बना रहे थे शॉर्ट्स तो वहाँ पे बम्पर बहुत ज़्यादा थे, अभी आपको शोर होगा बम्पर वहाँ के अच्छे खासे बड़े बम्पर थे। तो अब यही हुआ कि 4-5 बम्परों से तो बाइक सुकून से गुजर गया, 5वें बम्पर पर मुझे आवाज़ आई यूएसबी गिरने की। मुझे लगा पता नहीं कोई और चीज़ गिरी होगी, मुझे नहीं पता था यूएसबी गिरी है। अब मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा यार ये तो यूएसबी गिर गई है, मुझे फीलिंग आ रही है। मैंने उसी टाइम ही बाइक मोड़ा, अब वो यूएसबी यहाँ से ही होते हुए गिर गई। अब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ सारा सीन क्योंकि कैमरा जो एक्शन कैमरा उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, उसकी बैटरी का भी कुछ करता हूँ वो बंद ही हो जाता है अक्सर। तो फिर मैं भगाता हुआ बाइक पीछे लेके गया। अब मुझे था कि वो लोग आगे निकल गए होंगे, लेकिन वो लोग रुक ही गए थे। अब मुझे वहाँ पर मिली नहीं यूएसबी। अब मैं फिर दोबारा भगाता हुआ गया वापस। अब मैं दोबारा जब भगाता हुआ गया हूँ तो जिले भाई पीछे अपनी मेहरान भगाते हुए आ रहे हैं। अब मुझे था कि वो आगे हैं और उनको था कि मुझे था वो आगे हैं और हालांकि वो पीछे थे। तो अब मैंने आगे जाके जब बाइक रोकी तो मैंने पीछे साइड मिरर में देखा वो पीछे भगाते हुए बाइक गाड़ी आ रहे हैं अपनी लेके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या सीन है, मैंने कहा यूएसबी गिर गई। उन्होंने कहा अब घर किस जाओगे, मैंने कहा मेरे पास रिमोट है तो मैंने जेब चेक की, रिमोट भी कोई नहीं। अब मैंने जिले भाई से कहा आप देखें आपके पास तो रिमोट नहीं है। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि यार रिमोट गया, यूएसबी चली गई, घर के सामने जा गया बंदा, बाइक भी बंद हो गया। अब उन्होंने जेबें चेक की तो निकल आया रिमोट। मैंने कहा यार चलो ये तो अच्छा हो गया। उसके बाद उनसे ज़रा कर कर आके बस ले गया अल्लाह हाफ़िज़ करके। मैं फिर पब्लिक न्यूज़ वालों के साथ था, उनको मैंने कह दिया कि यूएसबी तो मेरी गिर चुकी है। फिर मैं डायरेक्ट हाल रोड चला गया, उधर से सारा सामान लेके आया और जो जो चीज़ें हैं वो सब लेके था। फिर चला तो मैं सुकून से गया, वापसी पे GPS मुझे बार बार रिंग रोड की तरफ ले जाए, मतलब कि मुझे जाते हुए 60 किलोमीटर लगे हैं और वापसी पे मुझे 80 किलोमीटर लगे हैं। मतलब कि GPS कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कर कर आके फिर मैं घर पहुंचा रात को जाके। कभी रात को नहीं तो पैर कोई बल गए, तो मगरिब के टाइम पहुँच गया था उससे पहले। तो फिर कार्ड रीडर में जो लेके आया था आपने देखा, उसके अंदर USB बन नहीं सकती थी। फिर जो भी नई USBs बनाई वो आपको मैंने दिखाई हैं। तो बस इसी तरह करके पूरा दिन गुजरा और आपने देखा होगा, आपको बीच लिखी होगी और उनका भी जो वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनका भी इंटरव्यू देखें जो मेरा हुआ है। तो यही सारा सीन था, यही पूरा दिन गुजरा था। तो अगली जो वीडियोज़ है उसमें ये है कि उनका जो पब्लिक न्यूज़ वाला इंटरव्यू था हो गया और बाइक के इंजन में भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो वो अगली वीडियो में आएगी। तो होप सो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।